तो फाइनली गाइज अपना हो चुका है कंप्लीट काम, विल कप देखो डाल लिए भाई, कमेंट में बताना यार कैसे लगे विल कप भाई, देखो स्टार कैसे मजे से डाल रहे हैं भाई, जल्दी कर। तो अभी अपना स्टीयरिंग खुल चुका है क्योंकि वहां वो खारन की शायद वो करंट क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग गाइज। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं 6, तो पहुंच गए सरहान अपने गैराज के सामने ही भाई, तो सोचा आज का सफ़र यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे आपको पता है कि रात को ज़ुबैर भाई ही गाड़ी चला रहे थे, मैं वहाँ से निकले थे तो ज़ुबैर भाई ने पूरी रात ड्राइव की, तो सुबह राजपुरा पहुँचे तो भाई ने मुझे 5 बजे जगा दिया कि भाई मुझे नींद आई है तो गाड़ी ड्राओ, तो मैंने कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव की और पहुँच गए अपने वर्कशॉप में ही। तो गाइज आपको पता है जैसे अपने व्हील कप भी टूट गए थे और भी थोड़ा छोटा मोटा काम हो गया था, तो वो यार सोचा कि अपने बादशाह को ऐसे कैसे रख ले भाई, अगर कमा रहे 4 पैसे तो बादशाह के भी जो जायज़ बनते हैं बादशाह को भी देने चाहिए। तो आज दिलवाते हैं व्हील कप और थोड़ा छोटा मोटा काम करवाते हैं तो उसके बाद ना निकलेंगे। तो अभी तो वर्कशॉप बंद है, वर्कशॉप खुलेगा 9 बजे, तब तक वेट करते हैं, थोड़ी नींद भी कर लेते हैं। तो हमने गाड़ी कर ली पार्क गेट के सामने ही, तो अपने आ जाए मतलब इधर के वर्कर जो इधर काम वाम करते हैं वो आ जाए, तो उसके बाद ना फिर करवाते हैं गाड़ी का काम और फिर जल्दी से जल्द जम्मू निकलते हैं, गाड़ी ज़ुबैर भाई को दे के भेज देंगे श्रीनगर, तो खुद भाई घर चले जाएंगे। तो फाइनली गाइज फाइनली 12:30 बज चुके हैं यार, सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो अपनी गाड़ी का काम वाम थोड़ा करवा लिया, थोड़ा रह गया अपने व्हील कप भाई कर लिए चेंज, सॉरी यार जो भाई बोल रहे थे वाइट अच्छे लगते हैं, मतलब ये भी थोड़ा कर लिया यार क्योंकि गाड़ी के साथ वाले थे वो, तो फ्रंट पे कहीं भाई मैसेज कर रहे थे स्टील वाले डालो, भाई आपके लिए कुछ भी स्टील वाले डाल रहे हैं, ये वाले डलवाएंगे अभी, वहाँ एक नेट लगेगा वो लगेंगे उसके बाद ये स्टील वाले लगेंगे, बाकी गाड़ी में तिरपाल भी ऊपर और डाल दिया क्योंकि ज़ुबैर भाई अकेले जाएंगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज पहले डलवाते हैं अपने फ्रंट वाले व्हील कप थोड़ा गाड़ी को, तो उसके बाद ना और कोई काम नहीं आ रहा यार, बाकी करवा लिया जो करवाना था, तो फिर निकलते हैं इधर से निकलेंगे कुछ खाएं पिएंगे फिर आपसे मिलेंगे एक ही बार, क्योंकि भाई सुबह से यार बहुत तंग हो गए बहुत ज़्यादा यार। हाँ वहाँ ही घुसानी है, वहाँ देखेंगे वहाँ से हल्का माला ना जाएगी। तो गाइस गाड़ी लगाते हैं उस साइड, वो वाला गैराज है उसमें लगाते हैं, तो थोड़ी वेल्डिंग करवानी है टायर में, वो नट बोल्ट डालने हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे एक ही बार। तो फाइनली गाइस अपना हो चुका है कंप्लीट काम, व्हील कप देखो डाल लिए भाई, कमेंट में बताना यार कैसे लगे व्हील कप, तो क्योंकि काफ़ी भाई कर रहे थे मैसेज कि राजा भाई स्टील वाले डालो, तो इस बार स्टील वाले भाई देखो स्टार कैसे मज़े से डाल रहे हैं भाई, जल्दी कर घर चलना, क्या कर रहा है इधर रहना आज। तो ये रहा गैराज, आपको दिखा देते हैं, यहाँ 14 चक्का तैयार हुआ है एक नया, तो अपना ब्लैंकेट एक मतलब कंबल धो के रखा स्कूटर के ऊपर, वो भी सूख जाएगा तब तक। तो फाइनली भाई इधर से निकलते हैं, निकल के चलते हैं कहीं रास्ते में कुछ खाते पीते हैं, खराब से मिलेंगे यार क्योंकि खाली पेट व्लॉगिंग भी नहीं होती यार, वीडियो भी नहीं बनती खाली पेट। तो आपको दिखाते हैं एक नई अपनी 14 टायरी गाड़ी इधर तैयार हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं उस साइड है। तो फाइनली भाई फाइनली अपना काम हो चुका है, और एक और बात भाई अपने मतलब भाइयों को पता है, अपने सब्सक्राइबर भाइयों को पता है इतना कि ये हमारा अपना गैराज है भाई, ऐसा मत करो यार, अपने यहाँ के अपने मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं छोटे यदवीर भाई ने ये वार्मर उसके बाद कुछ शूज़ पता नहीं क्या क्या यार इधर छोड़ के गए पार्सल, ऐसा मत करो भाई, आप दिल से प्यार करते हो हमें वो हमें पता है, लेकिन ऐसा कुछ ना करो भाई। तो भाई यार क्या बोलूँ मैं, मुझे मतलब इधर भाई बोलते कि आपका कुछ पार्सल आया इधर तो ले जाना, मैं आया तो फिर मैंने देखा यार ये वार्मर उसके बाद ना ये पूरा सूट ही डाला हुआ था, और उसके बाद शूज़ हैं वो भी इधर मैंने रखे। तो भाई यदवीर भाई लव यू दिल से, ऐसा मत करो अपने भाई हो। तो गाइस अपना हो चुका है फाइनल कम कंप्लीट, तो निकल रहे हैं इधर से, निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई अपना स्टीयरिंग वाला हारन वो भी थोड़ा उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, आगे अपने रवि भाई छोटे भाई हैं, इन्होंने पूरी गाड़ी का वायरिंग, और जब ना भाई मैंने गाड़ी मतलब तैयार करवाई थी पूरी गाड़ी, तो तब गाड़ी की मतलब वायरिंग A to Z नई चेसी की इसी बंदे ने की थी, बंदे की एज होगी अभी 14 या 15 साल। तो भाई पूरा काम करता है यार, देख लो मेहनत करो भाई तो सीख जाओगे सब कुछ। तो अभी अपना स्टीयरिंग खुल चुका है क्योंकि वहाँ वो खारन की शायद वो करंट क्या बोलते हैं इसको, हाँ तो ये चीज़ मतलब टच नहीं हो रही थी, हारन नहीं बज रहा था। तो भाई स्टीयरिंग वाला हारन प्रेशर हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि चलान हो सकता है उसके लिए, तो हम मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ सिटी में वो नहीं कर सकते क्योंकि भाई अपना क्या बोलते हैं इसको नॉइस पोल्यूशन नहीं फैला सकते यार, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, फिर ऊपर से चलान भी हो सकता है। तो भाई कर रहे हैं ये, और उसके बाद ज़ुबैर भाई व्हील कप के साथ ही लगे हुए हैं अभी,
क्योंकि बोल रहे हैं बोल्ट डाल लें ताकि वो कहीं गिर ना जाए, तो ये भी बोल्ट डाल रहे हैं। तो भाई इधर से चलो ये हो जाए अपना हारन वारन ठीक, तो कुछ खाएं पिएंगे यार, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो फाइनली गाइस 9:30 बज चुके हैं यार, हम आ गए मुकेरिया में, पंजाब मुकेरिया पहुँच के। तो अपनी गाड़ी कर ली पार्क पीछे। तो गाइस सोचा यार दिन से तो कुछ नहीं खाया क्योंकि भाई टाइम नहीं मिला यार, मतलब नाश्ता किया ही नहीं यार, सच बोलूँ। हम बस यही बोल रहे थे कि यहाँ करेंगे, ऐसे करते करते कि यहाँ पहुँच के। तो अभी अपनी गाड़ी कर ली पार्क। तो यार इधर अपना होटल है, यहाँ अपने कश्मीरी ढाबा है, वैसे भी अपनी कश्मीरी नमकीन चाय को बहुत मिस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो पीते हैं चाय, फिर इधर से निकलते हैं, खाना खाएंगे पठानकोट क्रॉस करके। तो भाई देख लो अपनी गाड़ी कहाँ कर ली पार्क। ये रहा अपना बादशाह भाई। भाई बोलना यार वो फ्रंट वाली लाइट और उसके बाद व्हील कप कैसे लगे ये, मतलब हमने वाइट वाले भी संभाल के रखे हुए भाई, क्योंकि अगर ये अच्छे नहीं लगे तो चेंज कर देंगे भाई। ऐसे यार शौक से मैंने यही डाले, मतलब देखो काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि राजा भाई स्टील डालो स्टील, हमने स्टील वाले ही डाले क्योंकि भाई पता है ना यार आपकी बात को, अब अगर आप बोलो भाई तो हम मना तो नहीं ना कर सकते। तो बोलना भाई कमेंट में कैसे लगे स्टील के व्हील कप। तो गाइस पीते चाय पी के एक ही बार मिलते हैं। यहाँ रहा अपना वो वाला ढाबा, कश्मीर के ही बंदे अपने। तो गाइस आ गई अपनी कश्मीरी चाय रोटी अपने ज़ुबैर भाई क्या फील कर रहे हो तो गाइस पीते चाय यार, आ गई अपनी पहले चाय और रोटी, फिर उसके बाद ना निकलते हैं इधर से। ये रहा अपना कश्मीरी ढाबा, अपने ड्राइवर कश्मीर के ही भाई है। तो गाइस एक बात हो रहा है ना यार, मतलब बंदे को आदत होती है ना चाय पीने की नमकीन वाली, तो तभी हम पीते हैं यार चाय। तो गाइस फाइनली 10 बज चुके हैं यार, तो पी ली चाय क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी चाय वाय पी ली। चाय पी के भाई अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा यार, इसलिए मैंने पहले से ही टोपी लगा दी और ज़ुबैर भाई को भी बोला भाई टोपी लगा लो, क्योंकि भाई हवा यार चेंज हो जाती है ना, तो फिर बंदे का ना मतलब सेहत ख़राब ही हो जाती है, सेहत डाउन ही हो जाती है। मतलब जैसे देखो हम उधर से निकले तो यार ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़ुकाम या बुखार फील हो रहा है यार, ऐसे मतलब ना एकदम गर्मी से निकल के सर्दी में आए, मतलब गर्म जगह से। वहाँ अपने गुंटूर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मच्छर भाई ऊपर से बहुत ज़्यादा है, पर वाकई यार हमारा J&K जन्नत ही जन्नत है यार। तो गाइस निकलते हैं इधर से एक ही बार, अब चलेंगे सीधा जम्मू रुकेंगे, घर पर रुकेंगे, तो उसके बाद सुबह तो मुझे निकल जाना है उधर से अपने गाँव, क्योंकि घर में आपको जैसे पता भी है हमारे मामू जी की डेथ हो चुकी थी, तो मुझे वहाँ जाना है। और उसके बाद ना ज़ुबैर भाई लेके गाड़ी चले जाएंगे श्रीनगर, गाड़ी खाली करेंगे, और उसके बाद ना यार मेरे गाड़ी का मतलब परमिट है वो भी ड्यू होने वाला, वो भी रिन्यू करवा लेंगे तब तक। तो ज़ुबैर भाई भी घर रुकेंगे 4-5 दिन, तो फिर उसके बाद मुझे वापस आना है, फिर उसके बाद चक्कर लगा लेंगे। तो अभी गाड़ी के मिरर हो रहे हैं साफ़, तो हो जाए गाड़ी के मिरर साफ़ तो निकलेंगे यार इधर से, क्योंकि भाई यहाँ रुकेंगे तो रात को और नींद यार आपको पता भी है जैसे, मतलब टाइम से नींद करनी चाहिए यार, टाइम से नींद करेंगे तो अपना काम भी चलेगा। अगर सोचेंगे यार सिर्फ गाड़ी बंदा सोचे पूरी रात चलाता रहूँ तो सोऊँ भी ना, ऐसा काम नहीं चलने वाला भाई। तो गाइज़ ठीक है फिर एक ही बात मिलेंगे जम्मू में ही। गाइज़ पहुँच गए लखनपुर, अभी कटवाते हैं इधर से पर्ची का मतलब ये यार, हाँ मतलब कोरोना की पर्ची कटवानी पड़ती है कि कितनी गाड़ियाँ इधर से कहाँ उधर इंटरव्यू और उधर से इधर। तो गाइज एक जगह से हमारी बॉर्डर अच्छी है J&K वाली यार, क्योंकि यहाँ चोरों की तरह वसूली नहीं होती। तो भाई कटवाते हैं पर्ची, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली यार हम निकल चुके हैं इधर से, मतलब अपना पंजाब को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। तो भाई अपना मतलब ना एक चीज़ मैं और एक और बात शेयर करूँगा अपने भाइयों से, मतलब देखो हम महाराष्ट्र केरला कर्नाटका मतलब कहीं से भी आते हैं ना यार, तो हमें जो भी बॉर्डर मिलते हैं उस बॉर्डर से हमसे पैसे वसूले जाते हैं, 50, 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ तक के 1000 भी। और दूसरी बात है ना, एक भाई अभी मुझे मिले वो थे महाराष्ट्र के, वो बोलते हैं कि भाई जान मेरी फ़र्स्ट टाइम है यहाँ आने का, तो मुझे एक बोलो यहाँ RTO फीस कहाँ लेते हैं भाई मैंने उसको समझाया यार वो RTO फीस आपके उधर लेते हैं, हमारे RTO फीस वगैरह कुछ नहीं लेते, हमारे इतने वो नहीं है कि मतलब पैसे खाएंगे या कुछ भी। तो चलो यार अपनी J&K वाले अपने पंजाब और J&K के बीच में जो बॉर्डर पड़ती है वहाँ इतना तो है यार, कोई पैसे वसूलता नहीं है। तो गाइस ठीक है यार करते हैं अपना बॉर्डर पार कर ली, तो पहुँचते हैं जम्मू द नेक्स्ट डे। मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बज चुके हैं यार, तो अपने ज़ुबैर भाई अभी भी जस्ट ब्रेकफास्ट करके गाड़ी लेके निकल गए श्रीनगर, क्योंकि कन्वाई है भाई आज शाम को,
तो भाई ने बोला मैं उधमपुर जाके ही रुकूंगा। तो भाई ठीक है यार, अपना भी टाइम आ गया मतलब अपने गांव जाने का डिस्ट्रिक्ट पहुंच में। तो गाइज ठीक है, आज के सफर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के कौन से पैसे लग रहे हैं भाई। तो गाइज ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सफर में, तब तक लिए भाई।